तो आज अभी सुबह सुबह सबसे पहले आया है यहाँ लॉन्ड्रो मार्ट पे, क्योंकि एक हफ्ता हो गया यहाँ अमेरिका आए हुए हैं, अभी तक लॉन्ड्री नहीं करी हुई, तो एक बार कपड़े वगैरह धोने हैं सारे। तो आपको ये भी दिखाता हूँ यहाँ अमेरिका में कॉइन लॉन्ड्री का क्या सिस्टम होता है। तो अमेरिका में हर जगह ऐसे ये लॉन्ड्रो मार्ट होते हैं जहाँ पर आप जाके लॉन्ड्री कर सकते हो। तो ऐसे होते हैं ये लॉन्ड्रो मार्ट जहाँ पर हर बंदा आके लॉन्ड्री करता है, एंड इसमें आपके $4-5 लगते हैं लॉन्ड्री करने में, आपको कॉइन डालने होते हैं। तो अगर आपके पास सिक्के नहीं है तो आप यहाँ कैश डाल सकते हो, एंड यहाँ से ये क्वार्टर निकल जाते हैं। तो मेरे पास 20 का ही नोट था, तो इतने सारे सिक्के निकल गए हैं। तो अब लॉन्ड्री होने में 40-45 मिनट लगेंगे। तो इतने हम आए हैं यहाँ ग्रोसरी स्टोर कुछ खाने का लेने, फिर आराम से वैन में बैठ के नाश्ता करेंगे। सुबह सुबह बाहर जाने का मन नहीं है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, ये पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर के अंदर भी इन्होंने स्लॉट मशीन लगाई हुई है कसिनो वाली। यहाँ पर इवन मैकडोनल्ड्स में भी ये इन्होंने कसिनो खोल रखा होता है। तो थोड़ा बहुत ये नाश्ते के लिए सामान ले लिया। सो गाइज, टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिल्मोरा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं हाई क्वालिटी सिनेमैटिक ब्लॉग्स कैसे एडिट करता हूँ, विच प्लेटफॉर्म डू आई यूज़। तो पिछले 6 महीने से जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ अपनी सारी एडिटिंग करने के लिए, वो है नन अदर देन फिल्मोरा। फिल्मोरा बेसिकली एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है विच इज़ वेरी वेरी ईजी टू यूज़, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर बोथ बिगिनर्स एंड एडवांस एडिटर्स। यू लिटरली हैव एवरीथिंग इन फिल्मोरा, फ्रॉम प्रीसेट टेम्पलेट्स लाइक इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, टू इवन रॉयल्टी फ्री स्टॉक फुटेज एंड म्यूजिक। एंड फिल्मोरा ने बिल्कुल अभी अभी अपना नया वर्जन लॉन्च किया है, वर्जन 12। सो लेट मी क्विकली जंप ऑन द कंप्यूटर एंड लेट मी शो यू सम ऑफ माय फेवरेट फीचर्स। मैं आपको मेरा पहला फेवरेट फीचर दिखाता हूँ जो है AI स्मार्ट कटआउट। उसके लिए बस आपको यहाँ स्मार्ट कटआउट पर जाना है। आप ब्रश से सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप को, ये AI से अपने आप सेलेक्ट कर लेगा पूरा। तो एज़ यू कैन सी, आप बहुत ही प्रिसिजन से एंड ईजीली सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी मतलब सब्जेक्ट। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये कि आप ये पूरा ट्रैक कर सकते हो, कि अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं अपने आप को पूरा ट्रैक कर सकता हूँ एंड फिर पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, चाहे फिर मैं कितना भी मोशन में हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग से सेलेक्ट कर लिया है एंड इसमें मैं फिर पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। सेकंड जो मेरा फेवरेट फीचर है फिल्मोरा 12 का, वो है एडजस्टमेंट लेयर। तो बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर का ये पर्पस होता है कि अगर मैं एक फुटेज पे कोई भी इफेक्ट किसी भी टाइप का, टाइटल, कलर ग्रेडिंग वगैरह करता हूँ, एंड आपको वही सेम चीज़ हर फुटेज पे करनी है, तो पहले आपको सेपरेटली हर फुटेज पे सेम चीज़ करनी पड़ती थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड द लास्ट फीचर आई वांट टू शो यू गाइस इज़ द ड्रॉ मास्क टूल। अब फिल्मोरा में आप फ्री हैंड से मास्क भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ डबल क्लिक करना है, यू हैव टू गो टू ड्रॉ मास्क एंड मैं एक स्पेसिफिक लेट्स से इस ग्लास के अराउंड मास्क ड्रॉ करता हूँ, तो सिर्फ इतना पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप इस पार्ट पे कोई भी चेंज कर सकते हो, वो सिर्फ इतने पार्ट पे ही होगा फुटेज की। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं, कोई भी इफेक्ट ऐड करना है। सो गाइज, इफ यू नीड एन ऑल इन वन सॉफ्टवेयर टू एडिट योर वीडियोस, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू चेक फिल्मोरा आउट राइट नाउ। इट्स एब्सोल्युटली फ्री टू ट्राई। अगर आप फ्री ट्रायल वर्जन में एडिटिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको वाटरमार्क आएगा, बट यू कैन चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है एंड कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो चेक देम आउट राइट नाउ एंड एडिट बेटर वीडियोस टुडे। एंड नाउ लेट्स मूव बैक टू द फ्लोर। तो लॉन्ड्री एंड नाश्ता करके थोड़ी देर होटल आ गए थे। एंड यार, यहाँ वेगस में दिन से ही कसिनो में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एंड अब एक बार फिर से जा रहे हैं लास वेगस ट्रिप दिन में घूमने, कल तो रात को ही गए थे। एंड क्योंकि यहाँ लॉन्ग वीकेंड है तो इतनी ज़्यादा भीड़ है इस ट्रिप पे, दिन में भी इतने ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। वरना जब मैं गर्मियों में आया था तो दिन में तो कोई भी बाहर नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एंड ये मैं अभी साउथ पार्ट में उस ट्रिप के, जहाँ पर लिटिल न्यूयॉर्क है। एंड अब एक बार हम MGM ग्रैंड होटल जा रहे हैं। यहाँ MGM होटल की जो लॉबी है उसमें मैंने सुना है कि इन्होंने एक वाइट टाइगर रखा हुआ है, तो वो देख के आ रहे हैं एक बार। ये सामने एंट्रेंस है MGM ग्रैंड की। तो अभी एक पुलिस वाले से पूछा, वो कह रहा है कि ये टाइगर वाली चीज़ तो इन्होंने अराउंड 10 साल पहले हटा दिया है। पहले यहाँ MGM ग्रैंड में जो इनकी मेन लॉबी है वहाँ पर इन्होंने एक ग्लास के चेंबर से में वाइट टाइगर रखा हुआ था। ये मेरे पीछे MGM ग्रैंड होटल है
यहाँ पर सबसे फेमस होटल्स में से एक, एंड MGM के बिल्कुल पीछे लिटिल न्यूयॉर्क है, तो ये सामने पूरा लिटिल न्यूयॉर्क है। एंड यार एक चीज़ मैंने अब रियलाइज़ करी, ये जो वेगस वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये एक्चुअल स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना बड़ा है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क में विजिट करके आया था, मुझे लगता था कि ये काफ़ी छोटा है बट असली वाला भी इतना ही बड़ा है। तो अगर आपको न्यूयॉर्क जाने का चांस ना मिले तो आप वेगस आके भी देख सकते हो। तो अभी तो हम सिर्फ ट्रिप पे घूमने आए हैं, एक पूरा राउंड लगाने हैं साउथ से नॉर्थ तक का, बट वैसे कुछ खास वेगस में अट्रैक्शन नहीं है, सारी चीज़ें करने के लिए ही हैं, लोग पार्टी करने ही आते हैं, आप कैसीनो खेल सकते हो, क्लब्स वगैरह जा सकते हो, बट उसके अलावा सारे होटल ही हैं यहाँ पे। तो ये जो लिटिल न्यूयॉर्क है इसके बीचों बीच ये पूरा हर्शीज का चॉकलेट वर्ल्ड भी है, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े चॉकलेट स्टोर्स में से है। एंड ये जो लिटिल न्यूयॉर्क है ये सिर्फ ऐसे ही मतलब शो के लिए नहीं है, इसके अंदर एक पूरा होटल है। एंड ये है लिटिल न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज, एंड स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में ये सामने द कॉस्मोपॉलिटन है जिसमें मैं लास्ट बार रुका था, इसका बहुत ही बढ़िया कमरा था, एंड सबसे बेस्ट चीज़ थी कि मेरा फाउंटेन व्यू वाला रूम था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी वेगस के ऊपर। एंड कॉस्मोपॉलिटन का बहुत ही फेमस नाइट क्लब है यहाँ पर मार्की, एंड अब हम बस जा रहे हैं एक बार बिलाजियो का फाउंटेन शो देखने, उसके बाद वापस होटल चलेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने, फिर रात को ही आएंगे। बाकी लास्ट वेगस ट्रिप के अलावा जहाँ मेन नाइट लाइफ है वेगस की वो फ्रीमोंट स्ट्रीट पे होती है, एंड मेरे हिसाब से इस ट्रिप से ज़्यादा मज़ा फ्रीमोंट स्ट्रीट पे आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बढ़िया लाइव म्यूज़िक चलता है, माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ लास वेगस में, हम टोटल यहाँ पर सिर्फ दो दिन के लिए ही थे, एंड वेगस में इस बार मैंने कुछ खास फिल्म नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो जाके चेक कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत हम यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने आए थे, एंड आज से हम निकल रहे हैं अपनी प्रॉपर रोड ट्रिप के लिए। अभी यहाँ लास वेगस से हमें सैन फ्रांसिस्को तक जाना है अगले एक हफ्ते में, सैन फ्रांसिस्को अराउंड 1300-1400 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो यहाँ से पूरा ऊपर जाएंगे एंड देन फिर सैन फ्रांसिस्को से वापस नीचे ड्राइव करके आएंगे सैन डिएगो तक। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी यहाँ वेगस से जो हमें अपनी फर्स्ट लोकेशन जाना है वो है जोशुआ ट्री नेशनल पार्क, टोटल हम 3 या 4 नेशनल पार्क कवर करेंगे यहाँ पे, जोशुआ ट्री, डेथ वैली, योसेमिटे जो सबसे फेमस एंड सबसे ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है पूरे USA का, तो ये 3 हमें मेन नेशनल पार्क जाना है। यहाँ लास वेगस से जोशुआ ट्री की 2.5 घंटे की ड्राइव है एंड अभी सुबह के 12 बजे हैं, बट उससे पहले हमें एक और चीज़ देखनी है यहाँ लास वेगस में, जो वेलकम टू फैबुलस लॉस वेगस वाला साइन है। मैं तो ऑलरेडी वहाँ फोटो खिंचवा चुका हूँ बट जो मेरा कज़न है साथ में, ऑब्वियसली जो भी लास वेगस आता है सबको वहाँ ज़रूर फोटो खिंचवानी होती है, तो वहाँ चलते हैं बस थोड़ी बहुत फोटोज़ खिंचवाते हैं एंड देन निकलते हैं जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के लिए। तो ये जो होटल था जिसमें हम स्टे कर रहे थे, इनकी खुद की ये ओवरसाइज पार्किंग थी जहाँ पर हमने अपनी वैन लगाई हुई थी, एंड एक बंदा फुल साइज़ RV भी लेके आया है। इसका भी मेरा मन है कि मैं इस पर भी एक ट्रिप करूँ, ये प्रॉब्लम मैं कनाडा में करूँगा, बट अभी के लिए तो यार छोटे से शुरुआत किया है थोड़ा। मेरे सामने फेमस वेलकम टू फैबुलस लास वेगस साइन, एंड यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो साइन है ये 1959 में बना था। तो फोटो खिंचवाने के लिए तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है, हमने साइड से ही खिंचवा ली, लाइन में लगने का मन नहीं था, एंड अभी यार फाइनली निकलते ही हैं, पहले ही लेट हो गए हैं। जिस रूट पर अभी हमें ये US का फेमस रूट 66 बहुत लोग जानते होंगे, ये इकलौता हाईवे है US में जिसपे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, मतलब इन्होंने लिखी भी होती है बट टेक्निकली आपको कोई पकड़ेगा नहीं यहाँ पे। एंड सामने इतना बढ़िया सनसेट हो रहा है, सिर्फ 1-1.5 घंटे की ड्राइव रह गई है, एंड ये राइट में पूरी मोहावे डेजर्ट है। फाइनली 3 घंटे ड्राइव करने के बाद यहाँ जोशुआ ट्री पहुँच गया है, एंड यार सर्दियों में यहाँ पर इतनी जल्दी रात हो जाती है, अभी सिर्फ 6 बजे हैं
एंड ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज गए हो। एंड सबसे पहले हम आए हैं कुछ खाने, यार इतने दिन से इंडियन खाना खाने का मन था, काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए। तो यहाँ पर इवन जोशुआ ट्री में हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा है, इतनी सेक्लूडेड जगह है बट इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर भी है, तो यहाँ अंदर जाके थोड़ा बहुत इंडियन खाना खाते हैं। ये रेस्टोरेंट जो ढूंढा है सैम्स इंडियन रेस्टोरेंट, तो ये रेस्टोरेंट का मेन्यू तो यार काफ़ी बड़ा है इसका। एंड इंडियन फूड के साथ साथ यहाँ पर ये पिज्ज़ा एंड बर्गर वगैरह भी है, बट हम तो ऑब्वियसली इंडियन मंगा रहे हैं। और इवन जो पिज्ज़ाज हैं यहाँ पर आप देखो, करी पिज्ज़ाज अवेलेबल है, पंजाबी पिज्ज़ा, बॉम्बे पिज्ज़ा। तो सबसे पहले तो एक चाय मंगाइए, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, ट्राई करके देखता हूँ चाय। इतनी बढ़िया तो नहीं है बट स्टिल यहाँ के हिसाब से ठीक है। स्टार्टर्स में हमने ये बढ़िया समोसा चाट मंगाई है, तो खाने में हमने यही पनीर मसाला, दाल मखनी एंड ये नान मंगाया था। इनका नान थोड़ा अलग सा है बट बढ़िया लग रहा है, अनियन गार्लिक नान। एंड राइस हर रेस्टोरेंट में ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। तो डिनर तो कर लिया है बट खाना यहाँ का काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हमने उन्हें बोला कि इंडियन स्पाइसी बना देना, तो वो इतना ज़्यादा स्पाइसी बना लाए कि मतलब खाना मुश्किल हो गया। एंड यहाँ पर दो जनों का हमारा बिल $80 आया जबकि बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाया था। तो अपार्टमेंट में चेक इन कर लिया है, मैंने एक बार ऑलरेडी यहाँ पे स्टे किया हुआ है, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं पहले आया था यहाँ जोशुआ ट्री। एंड सेम ही एयरबीएनबी में फिर से स्टे कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बहुत ही बढ़िया स्टे रहा था। तो फिर से जल्दी से आपको एक टूर दे देता हूँ, डिटेल में तो मैंने पहले दिखाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे अपार्टमेंट है, जो जोशुआ ट्री नेशनल पार्क है उससे सिर्फ 5-7 मिनट की ड्राइव पे। एंड पूरा लग्जरी एयरबीएनबी है विद ऑल दी अमेनिटीज़, जितनी भी आपको किचन में अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं, 2-3 टाइप के तो कॉफ़ी मेकर है, ये एक डाइनिंग एरिया। एंड इस अपार्टमेंट में 2 बेडरूम है टोटल, एक है ये बेडरूम, सामने लिखा हुआ है द वाइल्ड कैलिफोर्नियन, जो मतलब अपार्टमेंट की डेकोर है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। एंड अगर आपको इवन गिटार बजाना है तो गिटार भी है यहाँ पे। ये है सामने वॉशरूम, शावर एंड बाथटब दोनों के साथ, हर चीज़ फुली इक्विप्ड है अपार्टमेंट में। एंड एक बेडरूम है यहाँ पर, तो 4 से 6 जने इजीली स्टे कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ जोशुआ ट्री कैलिफोर्निया आओ तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इस अपार्टमेंट में स्टे करना। इसकी एयरबीएनबी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।